तो सोलह गाइस, वेलकम टू एंड्रो गाय और मैं प्रतीक शर्मा। जो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं, जो कि होगा भैया अपना काले लिनक्स को जो है कैसे इंस्टॉल करा जाए वर्चुअल मशीन पे। ठीक है जी, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना, वहाँ पर VM लिखकर ये आपको सबसे पहले वेबसाइट खोल लेनी। यहाँ पर आप एक काम करो, लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का सेक्शन, फटाक से जो है डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करो। ठीक है जी, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आज। इसके बाद ये विंडोज़ होस्ट पे जो है यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी फाइल इंस्टॉलेशन वाली। और सेकंड चीज़ आपको क्या डाउनलोड करनी है, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन पैक जो मैंने अभी दिखाया ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म वाला, ये दोनों चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है, VM को कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पर काली लिख दीजिए, एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको पहले से ही फीडेड है ये चीज़, रुको यहाँ पर मैं इसको काट कर आपको पूरा बेसिक से दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर काली लिख देना है या काली लिनक्स कुछ भी लिख देना है, अब ये आपकी पहली वेबसाइट खुल जाएगी काली लिनक्स की। यहाँ पर जाकर आपको जाना है डाउनलोड में और वहाँ पर क्लिक कर देना है काली लिनक्स। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है काली लिनक्स 64 बिट इंस्टॉलर वर्जन जो है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है इमेज फाइल। ठीक है जी, ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ और इन सब चीज़ों को आपको एक फोल्डर या कहीं पर भी आप संभाल कर रख लो, जहाँ पर आपको चीज़ें ये सारी दिख जाए। जैसे कि ये मैंने डाउनलोड कर रखी है इंस्टॉलर की, और वर्चुअल मशीन का जो फाइल है उसको कर लो आप इंस्टॉल, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये वो रही इंस्टॉलेशन वर्चुअल मशीन हमारा, और ये रहा एक्सटेंशन पैक, इसको आप डेस्कटॉप पर कर लो ताकि ईजी रहे। अब आपको जो है फर्स्ट बूट अप करना है VMware को। ठीक है जी, वर्चुअल बॉक्स को जो है अपने वर्चुअल मशीन, वहाँ पर आपको फाइल्स में जाना है, वहाँ जाना है प्रेफरेंस के अंदर, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर, और इस छोटे से जो प्लस आइकन को क्लिक करके आपने जहाँ पर भी एक्सटेंशन फाइल को डाउनलोड करा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे मूव कर दी थी, यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है जैसे आपको दिख रहा है, चलो जी एडिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके दबा दो फटाफट टैग से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने जो भी मैं नाम दे सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ काली लिनक्स लिख दो आप यहाँ पर। ठीक है जी, काली लिनक्स 2021 लिख दिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर जो आपको टाइप में जो है लिनक्स सेलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, नहीं आता कर लो। वर्जन के अंदर डेबियन 64 बिट को आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर रैम इसको जो है अलोकेट करनी है। अब इसको रैम देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 8 GB की यहाँ पर फिलहाल में रैम है, तो लगभग मैं इसको यहाँ पर 2-3 GB के आसपास दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर चलो कोई नहीं, इसको 4 GB के आसपास दे देते हैं ताकि भैया थोड़ा स्मूथ जो है ये चीज़ चल जाए हमारा। तो आप उसी हिसाब से देना, ही नहीं कि आपने पूरी 8 GB खींच दी इसके अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कम ही देनी है आपने, ज़्यादा नहीं देनी, वैसे भी काले लिनक्स को ज़्यादा चक्कर है नहीं, तो 4 GB दे दी मैंने। यहाँ पर आपको क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क नाउ पर ही रहने देना है टिक, और VDI वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज जिसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है इस पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। डायनामिकली अलोकेटेड बाय, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सारे यही रहेंगे, नहीं होता ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि काली लिनक्स में आपको कितना स्पेस चाहिए, मतलब कितनी स्टोरेज आपको काली लिनक्स में चाहिए। तो मैं यहाँ पर 30 GB कर देता हूँ अपने हिसाब से, 50 GB, 100 GB, 150 GB अपने हिसाब से आप कर सकते हो। चलो जब हमारा बेसिक काम यहाँ पर जो है हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका पूरा काम नहीं हुआ, आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है जी, सेटिंग्स के अंदर क्लिक करने के बाद क्लिक करना है एडवांस के अंदर, और शेयर्ड क्लिपबोर्ड को आपने कर देना है बाई डायरेक्शनल, और ड्रैग एंड ड्रॉप को आपने कर देना है बाई डायरेक्शनल, ताकि आप चीज़ों को इधर से उधर कर सकें, मतलब अपनी डेस्कटॉप से लेके VM वर्चुअल मशीन के अंदर डाल सकें। ठीक है जी, सिस्टम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके प्रोसेसर पर आपको प्रोसेसर को, जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं 8 कोर का हमारा CPU है यहाँ पर, तो फुल कर दो इसको जितना भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जो है आपने ये आपने पूरा कर दिया, इसके बाद डिस्प्ले में जाकर जो वीडियो मेमोरी है इसको आपने पूरा खींच देना है जितना भी आपके पास अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट 128 यहाँ पर आता है, जितना भी आ रहा है आपके पास पूरा इसको जो है स्लाइडर को एंड तक घुमा दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर आपको जाना है स्टोरेज के अंदर। अब आपको कंट्रोलर ID के अंदर ये जो एम्प्टी दिख रहा है ना, एम्प्टी पे क्लिक करके यहाँ पर एक जो ये छोटा सा डिस्क आइकन है इसको क्लिक करके चूज अ डिस्क करके ये जो आपने डाउनलोड कर रखे काली लिनक्स की इमेज फाइल जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देना, और ध्यान देखना काली लिनक्स लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अब कर दो यहाँ पर ओके। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। तो अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा कर देना स्टार्ट। लेकिन अब ये मत समझो कि आपका काम खत्म हो गया स्टार्ट करने के बाद, अभी तो काली लिनक्स को इंस्टॉल करना रहता है भैया, अभी तो सिर्फ उसके हमने बेसिक चीज़ों को करा है सेट, अभी तो इंस्टॉल करना रहता है। चलो जी, अगर आपके पास आता है इसको क्रॉस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आते रहते हैं ऊपर नीचे वाले। इनको करने के बाद आपके यहाँ पर आप ऑप्शन आ जाएगा ग्राफिक इंस्टॉल का, तो कीबोर्ड से आप ऊपर नीचे सेलेक्ट करके ग्राफिकल इंस्टॉल पे जो है एंटर दबा दो। ठीक है जी, अगर आप माउस से करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एंटर दबा के करना। तो यहाँ पर कुछ 5 से 10 सेकंड जो है टाइम लेगा, ये डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर की स्पीड, कि जिस पे आप काम कर रहे हो उसकी कितनी स्पीड है। चलो जी फटाक से यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इंग्लिश यहाँ पर कर देते हम सेलेक्ट, आपका एरिया कहाँ से हो आप, हो मैंने गलत कर दिया, रुको
एक सेकंड, आप गो बैक भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो। चूज़ लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं। हाँ जी, इंग्लिश कर लिया सेलेक्ट। हम हैं कहाँ से भैया? हम हैं भारत से, इंडिया। चलो जी, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर दो जी। अटैक से अमेरिकन इंग्लिश पे क्लिक करके आगे कर देते हैं। वो कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते रहते हैं आपको जैसे जैसे यहाँ पर, अब ये सब कुछ वर्चुअल होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो नाम मैं काली रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और डोमेन नेम को आप ब्लैंक छोड़ दो। तो अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम बनाने को कह रहा है, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मतलब अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। एंड्रो गाय लिख देते हैं यहाँ पर, फटैक सिम। ये यूज़र नेम याद रखना, क्योंकि यही आपको यूज़ आएगा जब आप काली नेक्स को स्टार्ट करोगे तो। ठीक है जी, यूज़र नेम हमने बना लिया जी, फटाफट फटैक से एंड्रो गाय आगे चलते हैं। फटाक करो भाई कंटिन्यू। अब जो है यहाँ एक्चुअली वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर पासवर्ड बनाने को कह रहे हैं, चलो जी फटैक से पासवर्ड भी बना लेते हैं। दोनों जगह पर सेम पासवर्ड रखना, और ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है भैया याद रखना, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड जब कालिनिक स्टार्ट होगा तो आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है, तभी एंटर कर पाओगे। कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सारा कुछ वर्चुअली कर रहा है, तो भी अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी वाईफाई अडैप्टर वगैरह नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वर्चुअल बन जाएंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं आगे की वीडियोज़ में ज़रूर से बता दूँगा अगर आपकी जो है डिमांड आती है तो। यहाँ पर हमारे अब यहाँ से अब हमारा असली खेल स्टार्ट होता है। गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क जो ऑप्शन सेलेक्टेड है, इसी पे आपको करना है, सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो। ध्यान से देखते रहना, ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर दो इसको। अब जो है ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, जो ये ऑप्शन आ रखा है यही कंटिन्यू रखना, यही इसी को क्लिक करना है आपने, कंटिन्यू कर दो आगे। ठीक है जी, और इसके अंदर कोई भी चीज़ के अंदर आपको जो है सेटिंग नहीं करनी, छेड़नी। अब जो है यहाँ पर आपको कुछ नहीं, फिनिश पार्टीशन एंड राइट टू करके जो भी सिलेक्टेड आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसको कंटिन्यू करके यहाँ पर जो आपको कर देना है यस। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको फटाक से आपने यस कर दिया है और इसको कर दो कंटिन्यू। चलो जी, आपका जो है लगभग आप ये लगा लो कि 50% काम तो हो ही चुका है। अब इतना भी आसान नहीं है इसको इंस्टॉल करना, कई लोग सोचते हैं कि बैक करा डाउनलोड करके चालू कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहाँ पर ये फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है मैंने चीज़ें, कहीं है मैं सोचना कि इतनी जल्दी होगा हमारा भी। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन आ जाएगा बीच में, इसको लार्ज वाला जो लास्ट ऑप्शन है ना, इसको टिक कर दो, ताकि जो भी एडिशनल बेसिक टूल्स जो है वो आपके पास काई लिनक्स में ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी सारा फास्ट फॉरवर्डेड है, कहीं है मैं सोचना कि भैया अरे ये तो बड़ी जल्दी निकल रहा है, मेरा तो बहुत टाइम लगा रहा है। ये बहुत टाइम नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाने वाला है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड था, येस पर ये बाय डिफॉल्ट येस पर रहने देना। उसके बाद ये सेलेक्ट करके आपको जो सेकंड ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दो। ठीक है जी, अब दोबारा से जो है फास्ट फॉरवर्डिंग का जो है कमाल देख लो। ऑब्वियसली यार, मैं आधे घंटे की वीडियो थोड़ी डालूंगा यूट्यूब पर, आप लोग पागल हो जाओगे देखते देखते। इसको कंटिन्यू करके लास्ट में अपना ये हो जाता अपना इंस्टॉल अपना काली लिनक्स। ठीक है जी, अब जो है यहाँ पर 4 सेकंड का बूटिंग है, मतलब करने दो टाइम लगाने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेकंड तो हम अपन लोग इंतज़ार कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली जो है काली लिनक्स स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं ज़रा एक बार मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए हाँ भाई काली लिनक्स स्टार्ट हो रहा है, कुछ और स्टार्ट नहीं हो रहा तुम लोग कुछ और सोच रहे हो। तो देखो जी, ये हमारा बूटिंग आ रही है, एनिमेशन दिख रही है हमको। यहाँ पर मैं कोई भी काटा पिटी नहीं कर रहा हूँ। अब ये मैंने कहा ना, यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद रखना है, जो अब आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था तो वही डाल दो, जैसे कि मैंने एंड्रॉइड बनाया था। और पासवर्ड क्यों बताऊँ भैया, मैं तुम लोगों को बड़ी खुजली है भैया पासवर्ड जानने की। चलो, लॉग इन में यहाँ पर क्लिक कर दिया है, एक काम करते हैं इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए देखने में। ठीक है जी, तो देख लो ये है जी काली लिनक्स 2021 लेटेस्ट वर्जन, बिल्कुल लाइव आपके सामने चलता हुआ भड़कता हुआ यहाँ पर आप टर्मिनल खोल के देख सकते हो, LS जो भी आपने कमांड डालने, CD MV कॉपी करने के लिए, CP कॉपी करने के लिए, MV मूव करने के लिए, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप जाके इसको शट डाउन, रिस्टार्ट, लॉग आउट, सारी चीज़ें यहाँ पर, सस्पेंड, हाइबरनेट, सब चीज़ कर सकते हो। और जो मैंने लार्ज फाइल जो आपको डाउनलोड कराई थी उसमें आपको सारे टूल्स, जो बेसिक नेसेसरी टूल्स हैं, वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करना, मेरा बोलना फ़र्ज़ है, बाकी तुम लोगों का मुझे पता है कि हाँ ठीक है चलो, इसको बंद कैसे करते हैं भैया, वो देखो मैं अभी करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पहले फाइल सिस्टम वगैरह दिखा दें। ठीक है जी, ये सारा दिख जाएगा आपको, तो यहीं से आप गेट क्लोन वगैरह कमांड डाल डूल के अपनी फाइल्स डाउनलोड, मतलब टूल्स डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो उसे, बाकी चीज़ों को भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर जाना राइट साइड पे, यहाँ पर शट डाउन पे क्लिक कर दो, इससे जो है आपका ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। इसको जो है तुमने कर देना है क्रॉस, और यहाँ पर मैं अपने वीडियो को भी जो है बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, चलो यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा,
वीडियो नहीं अच्छी लगी वो दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं करा है, और अगर करा हुआ है तो भैया तुम लोगों से बढ़िया बंदा जो है वो कोई भी नहीं है। हम लोगों से बढ़िया बंदा जो है भैया कोई भी नहीं अगर तुमने सब्सक्राइब करा हुआ है। और कमेंट सेक्शन भैया यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है बेधड़क वहाँ पर कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आके भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम वगैरह का सारा लिंक नीचे ही है, ट्विटर इंस्टाग्राम, कॉल मी फॉर क्या है, मेरे से डायरेक्टली कॉल पर बात करने के लिए। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अब क्या बोले भैया, तो बस यही था, और अच्छी लगी तो लाइक करने को बोल ही दिया मैंने, ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू एंड्रो गाय, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर, एंड या कोरोना से बच के चलो।